नमस्कार, कहानी संसार में लीजिए सुनिए हिंदी की प्रसिद्ध कथा लेखिका शिवानी की लिखी कहानी सौत। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। मुझे जब उस बार एक मीटिंग में भाग लेने बंबई जाना पड़ा, तब मेरे सम्मुख मुख्य समस्या आई थी आवास की। कहाँ रहूँगी वहाँ? तभी अचानक याद आया कि नीरा भी तो वहीं रहती थी। नीरा मेरे दूर संपर्क की चचेरी ननद थी। पहले उसे यूं अचानक अपने आगमन की सूचना देने में संकोच भी हुआ था। जन संकुल बंबई का जीवन कितना कठिन है एवं वहां के संकुचित सीमित आवास में आतिथ्य निभाने में मेजबान के प्राण कैसे कंठगत हो जाते हैं, यह सब जानकर भी मुझे नीरा को लिखना ही पड़ा था, क्योंकि किसी होटल में रहने का साहस अंत तक मैं सजो नहीं पाई। नीरा का फ्लैट छोटा होने पर भी बड़ा सुंदर था। 32-32 फ्लैटों के गुलदस्ते रात को दूर से देखने पर किसी बंदरगाह पर खड़े सुंदर जहाज़ों से ही लगते थे। नीरा को बंबई का जीवन बहुत पसंद था। 3 वर्षों के बंबई प्रवास ने उसका कायाकल्प कर दिया था। वैसे भी वह पिथौरागढ़ के उस अनजाने ग्राम से बंबई आई थी, जहाँ उसके विवाह तक कुमायूं मोटर यूनियन की बस भी नहीं पहुँच पाई थी। उन दिनों मोटर रोड का निर्माण कार्य चल ही रहा था। मुझे आज भी याद है, लग्न का समय बीता जा रहा था और उसकी बारात नहीं पहुंची थी। बड़ी देर बाद उसकी बारात के थके मांदे बाराती बिना किसी बैंड बाजे के ऐसे चले आए थे जैसे कोई मातमी जुलूस हो। पहाड़ी लद्दू घोड़े में बैठा उसका सजीला दूल्हा भी वर्षा की बौछार में भीग भाग एकदम ही अनाकर्षक लग रहा था। उधर नीरा आकर्षक न होने पर भी कामदार लहंगे दुपट्टे में बड़ी प्यारी लग रही थी। नए गहने कपड़े और नवीन जीवन साथी का उल्लास उसके गदबदे गोल मटोल चेहरे पर लज्जा का अंगराग बिखेर उसकी उजली हंसी को और भी उजली बना गया था। किंतु आज नीरा की न तो वेशभूषा में न बाड़ी में वह पहाड़ी ढील मढ़ाल लटका था न आतिथ्य में। उसके मुंह से मैंने बोला, तुमको होना क्या? आदि विभिन्न प्रदेशी उच्चारण सुन मैंने उसे टोका भी था, ये कैसे बोलने लगी हो नीरा, क्या हो गया है तुम्हारी हिंदी को? क्या करूं भाभी, मेरी पड़ोसिन हैदराबाद की है ना, इसी से बोली में उसकी छाप लग गई है। आज तुमसे मिलाऊंगी, बहुत ही प्यारी लड़की है। नीरा की प्रतिवेशनी राज्यम बंबई के एक प्रसिद्ध होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। उसके पति मद्रास में ही किसी दवाओं की विदेशी फर्म में काम करते थे। दोनों का वेतन अच्छा खासा था, उस पर उनकी एकमात्र पुत्री ननिहाल में पल रही थी। राज्यम एवं ऊटी के कॉन्वेंट से पढ़ी थी, इसी से अंग्रेजी का उच्चारण, उठने बैठने का सलीका, सब कुछ खांटी मेम साहबी था। वेशभूषा में भारतीय संस्कृति का लवलेस भी नहीं था। टखनियों तक झूल रही मैक्सी बायां भाग किसी समृद्ध थिएटर के रेशमी पर्दे की भांति बीचों बीच उन्मुक्त औदार्य से खुली परतों को समेट लेती थी, किंतु उस कौशल में भी उसकी सधी पूर्वाभ्यास से की गई उदासीनता मैंने कनखियों में ही पकड़ ली थी। गुलाबी रेशम की खुली भांज के बीच रह रहकर उसकी गुलाबी रेशमी जंघा की क्षणिक छटा बिजली सी कौंध जाती, किंतु उसके चेहरे पर वही स्वाभाविक सौम्य स्मित खेलता रहता, जैसा उन सर्कस सुंदरियों के चेहरे पर रहता है जो बालिश्त भर की रेशमी कोपिन पहने टोपीज के झूलों पर ऐसी ही उदासीनता से सर्र से निकल जाती है। उसकी मैक्सी का गला भी इसी औदार्य से खुला किसी उत्तुंग पर्वत श्रेणी पर फिसल रहे पहाड़ी झरने के वेग से ही झरझराता नीचे उतर गया था। पतली ग्रीवा में थी सुवर्ण मंडित रुद्राक्ष की माला। गिरवी रंग की शार्ट सिल्क की मैक्सी और कंठ की रुद्राक्ष कंठी से मेल खाता ही उसका केश विन्यास भी था। संसार त्यागी अवधूत से उस जटाजूट में एक रुद्राक्ष की माला लपेटी गई थी। हाथ में वैसा ही मेल खाता रुद्राक्ष का कंकड़ था। बाद में नीरा ने बताया कि वह जूड़े की लेटेस्ट डिजाइन है, फारीदाबा हेयर स्टाइल है भाभी, उसने बड़े गर्व से अपने श्रृंगार पटु सहेली की उपस्थिति में ही फिर उसका प्रशस्ति पत्र पढ़ दिया था। पर हम तुम पर थोड़े ही ना अच्छी लग सकती है, यह तो राज्यम ही है कि कैसी ही बनकर क्यों न निकल पड़े, लोग मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं।
बात ठीक ही कही थी नीरा ने। लड़की वास्तव में व्यक्तित्व संपन्न थी, कुर्गी थी, इसी से रंग था एकदम चिट्टा सुर्ख। उस पर कुछ ब्लेस ओन की महिमा थी, कुछ प्लग कलर्ड लिपस्टिक की। उसे देखकर मुझे वाजिद अली शाह की जोगिया बेगम सिकंदर महल का स्मरण हो आया। वयस होगी कोई 23-24 के लगभग, किंतु व्यवहार अल्हड़ षोडशी का था। होटल की रिसेप्शनिस्ट थी, इसी से छल्लेदार बातें बनाने में पारंगत थी। मेरा परिचय पाते ही वो मेरे पास अपना मोढ़ा खिसका लाई। सो यू आर ए राइटर, हाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्या लिखती हैं आप, उपन्यास, कहानी या नाटक? जी मैं तो आया कह दूं, तुम्हें देखकर तो अभी एक नाटक ही लिखने का मन कर रहा है। पर तब क्या जानती थी कि एक दिन उसे ही नायिका बनाकर लेखनी स्वयं ही मुखरा बन उठेगी। रात का खाना राज्यम नित्य नीरा के साथ ही खाती थी। मैं नीरा का व्यवहार, फुर्ती और पाक कौशल देखकर मुग्ध हो गई थी। एक बालिश्त के अपने उस गुफा से सकरे चौके में उसने इतनी चीज़ें कब बना दी और कैसे। न उसके पास कोई नौकर था, न महरी, फिर भी मैं जितनी देर मीटिंग में रही उसने न जाने क्या क्या बना लिया था। पूड़ी, कचौड़ी, 3 तरह की सूखी रसेदार सब्जियां, ठेठ पहाड़ी रायता और मीठी चटनी। बम्बई में भी उसने उत्तराखंड के स्वादिष्ट पकवानों की महिमा को पूर्ण रूप से साकार कर दिया, तो मैं अवाक रह गई। कुमाऊं के पकवान देखने में जितने ही आडंबरहीन और अनाकर्षक होते हैं, खाने में उतने ही सुस्वाद और मौलिक। उन सरल पकवानों की भूमिका कितनी दुरूह होती है, यह मैं जानती थी। अरे, ऐसे कुरकुरे सिंगल तो पहाड़ की बड़ी बूढ़ियाँ भी नहीं बना पाती होंगी, और ये करड़ी ककड़ी कहाँ मिल गई तुझे? पहाड़ी करड़ी ककड़ी के पीले गंडे से कलेवर को मैंने ठीक ही पहचाना था। बाबूजी अल्मोड़े से लाए थे, ठीक उसी दिन मुझे तुम्हारा तार मिला तो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दी। सोचा तुम आओगी तो ठेठ पहाड़ी दावत करूंगी। ये रायता राज्यम को भी बहुत पसंद है, क्यों है ना राज्यम? पर उसकी भोजन प्रिया प्रतिवेशनी को उत्तर देने का अवकाश ही कहाँ था। रायते का डोंगा लगभग साफ कर वह अब किसी क्षुधा कातर भिक्षु की भांति कचौड़ियों के अंबार पर टूटे। मुझे अपनी लोलुपता को रंगे हाथों पकड़ लिया गया देख वह बड़ी ही मोहक हंसी से घायल कर कहने लगी, क्या गजब का खाना बनाती हो नीरा, इसी से आज इतना खा रही हूँ। अपने होटल का खाना तो एकदम चरी भूसा है इसके सामने। पर मैंने प्रायः ही देखा है कि डाइटिंग के चक्कर में बंधी ये छरहरी आधुनिकाएं दावतों में स्वेच्छा से ही जिह्वा पर लगे संयम अंकुश को दूर पटक भूखे कंगालों की भांति खाने पर टूट पड़ती हैं। क्यों, तुम्हारे सुख्यात होटलों में तो सुना चित्र जगत के सितारों का नित्य मेला ही जुटा रहता है, और वहाँ उनके नाम कई कमरे अस्थायी रूप से आरक्षित रहते हैं। मेरा स्वर शायद कुछ अधिक व्यंगात्मक हो उठा था। अजी उनकी बात छोड़िए, वह अब 2 कचौड़ियों का रोल कर आलू दम के एक भीम आलू से पेट फूला बड़ी नजाकत से कुतरती कहने लगी, वे क्या वहाँ खाना खाने आते हैं? फिर वह कुटिल रहस्यमय कनखियों से मेरे नंदोई को देखकर मुस्कुराई। वह मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने कहानी उपन्यासों में ऐसी असंख्य प्रेमासिक्त कुटिल कनखियों का वर्णन करते करते अब किसी भी स्वयं दूती नारी के अंतर्मन के छाया चित्र को मैं न चाहने पर भी किसी एक्सरे प्लेट में उभरे भग्न अस्थिकोटर सा स्पष्ट देख लेती हूँ। उस दिन दावत लगभग 3 घंटे चली थी। इस बीच उस चपला सुंदरी प्रतिवेशनी की उपस्थिति ने मुझे अपनी सरल ननद के अदृष्ट के प्रति आशंकित ही किया था। खाने के बाद अचानक याद आया कि मीठी खीर के पश्चात वह अत्यंत अनिवार्य भारतीय मुख शुद्धि का प्रबंध करना भूल गई थी। हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी कि आप पान खाती हैं। वैसे तो चौपाटी दूर नहीं है, पर अरे क्या पर करता। उसकी मेखला धाड़ी कैबरे नर्तकी सी प्रतिवेशनी उठती हंसती उठ गई। हम अभी लाएगा, चलो तो महेश निकालो अपना स्कूटर। मैं स्तब्ध रह गई, इतनी रात को? क्या यह लड़की अपनी इस अधखुली मैक्सी में महेश की कमर में हाथ डाल मेरे लिए पान लेने जाएगी? नहीं नहीं, मुझे पान की ऐसी कोई आदत नहीं है, मैंने कहा। पर मेरी भोली ननद के चेहरे पर अपनी सखी के प्रति कृतज्ञता की सहस्र कीड़े फूट रही थी। प्लीज राज्यम, पूड़ा भर लेती आना, फ्रिज में रख दूंगी। और फिर मेरी भयत्रस्त आंखों के सामने वह अपनी सखी के सहचर की कमर में हाथ डालने हवा से निकल गई।
बड़ी देर बाद दोनों पान लेकर लौटे तो मैंने कठोर दृष्टि से महेश को घूरा। उसे मैं क्या आज से जानती थी? फटे कोट की बाँह से नाक पोछता महेश प्रायः ही तो हमारे यहाँ कभी पिता के लिए शिव पुराण मांगने आता और कभी विष्णु पुराण। उसके पिता गोविंद वल्लभ पांडे हमारे कुल पुरोहित थे और मेरा ही नहीं मेरे सब भाई बहनों का षष्ठी पूजन उन्होंने किया था। मैं देख रही थी कि महेश मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा है। जब नीरा की प्रतिवेशनी विदा हुई तब वह मेरा बिस्तर लगाने मेरे कमरे में आई। भाभी कैसी लगी मेरी सहेली? है ना गजब की लड़की। इसके होटल में कोई भी वीआईपी अतिथि आए इसकी ड्यूटी न हो तब भी इसे ही बुलाया जाता है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सखी के व्यक्तित्व की सृष्टि ही विधाता ने पुरुषों का आधित्य निभाने के लिए की है, मैंने कहा। पर भोली नीरा मेरे उत्तर के व्यंग को एक कान से सुन दूसरे से निकाल दी। वह फिर उसी उत्साह से कहने लगी, है तो मद्रासी पर रंग हम तुमसे भी गोरा है, उस पर कपड़े पहनने में तो इसका जवाब नहीं है भाभी। चाहे कुछ भी न पहने तब भी हीरे सी दमकती है, वह तो देख ही लिया। मेरा रूखा स्वर फिर उसे चिकने घड़े पर तेल सा ढरक गया। अच्छी लगी ना तुम्हें? नहीं। न चाहने पर भी मेरे हृदय की बात होठों पर फिसल आई। क्यों? चादर की सिलवटें ठीक करते उसके दोनों हाथ रुक गए। इसलिए कि मुझे स्कूल कॉलेज न जाने वाले लड़के और ससुराल न जाने वाली लड़कियां जरा भी अच्छी नहीं लगती, मैंने हंसकर कहा। तो क्या हो गया? उसके पति तो यहाँ आते रहते हैं, फिर बेचारी करे भी क्या, सास बेहद तेज है। मैं 3 दिन तक नीरा की अतिथि बनी रही और उन दिनों की संक्षिप्त अवधि में ही उसकी उस चतुरा प्रतिवेशनी का व्यवहार मुझे स्तब्ध कर गया। नित्य प्रायः वह महेश के ऑफिस जाने तक नीरा के यहाँ ही डटी रहती। मैं अपने कमरे से ही देखती वह महेश के कमरे में बैठी खिलखिला रही है और मेरी मूर्खा ननद चौके में भाड़ झोंक रही है। चाय नाश्ता वहीं से लेकर वह होटल जाती और 5 बजे लौटती। फिर अपना ताला खोलने से पहले वह नीरा की ही घंटी बजाती। रात को उसका खाना नीरा के यहाँ रहता। बड़ी रात तक ताश चलता। गिलासों की खनक से ही मैं जान जाती कि ताशों के जोर जोर से पटके जाने और असंस्कारी कहकहों के पीछे किसी गहरे जलपान का बहुत बड़ा योगदान है। स्कूटर की घर घर सुन मैंने खिड़की से झांका था। महाराज पृथ्वीराज की मुद्रा में महेश पीठ पीछे लिपटी संयुक्ता को लेकर शायद मेरे लिए ही पान लेने जा रहा था। जी में आया उसी क्षण अपनी उस सांसारिक बुद्धिहीन ननद को कमरे में बुलाकर झापड़ कस दूं। पर 3 दिन के लिए जिसने ही ननद के गृह में अतिथि बनकर आई थी उसके निर्मल चित्त में संदेह का व्यर्थ बीजारोपण कर मुझे मिलता भी क्या? हो सकता था वह संदेह मेरी आवश्यकता से अधिक संस्कारग्रस्त देहाती चित्त की कल्पना मात्र हो, क्या पता। आधुनिक पतिव्रता की मान्यताएं अब हमारी मान्यताओं से भिन्न हो, वह पति को ऐसी स्वतंत्रता स्वेच्छा से ही दे देती हो। फिर भी चलते चलते मैंने उसे सावधान कर ही दिया। देखो नीरा, तुम बहुत भोली हो। फ्लैट का जीवन निश्चय ही कुछ अंशों में मनुष्य के जीवन को अनुभवों से समृद्ध करता है, किंतु इसके लिए तुम फ्लैट वासियों को अपनी एक बहुमूल्य धरोहर खोनी भी पड़ती है। वह है तुम लोगों की प्राइवेसी। किसी भी परिवार के सुख के लिए इस प्राइवेसी का अक्षुण रहना अनिवार्य होता है। यहाँ तो तुम्हारी एक छींक खांसी या डकार तक पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहता। उसी क्षण वह दूसरे परिवार की छींक खांसी बन जाती है। तुम्हारी सखी से तुम्हारी ऐसी मैत्री देखकर बड़ा आनंद आया, किंतु एक अंग्रेजी की कहावत सुनी है, अंतरंगता घृणा की जननी होती है, इसे मत भूलना नीरा। हाय भाभी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी से लड़ूंगी? मैं फिर कह ही क्या सकती थी। मैं जब रात की गाड़ी से चलने लगी तब नीरा की प्रतिवेशनी फिर मेरे लिए स्कूटर भगाती पान ले आई थी। मैंने पूड़ा बटुए में डाल लिया और जैसे ही स्टेशन पीछे छूटा मैंने बंधा पूड़ा खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर 1 वर्ष तक मुझे नीरा की कोई खबर नहीं मिली। पिछली बार एक शादी में पहाड़ गई तब उसकी माँ मिल गई। कभी उनकी गाय घोड़ी बनना के बिना कोई विवाह संपन्न उत्सव नहीं होता था। उस दिन एक निर्जन कोने में ऐसी बैठी थी जैसे कि मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। नन्हे से घूंघट की यौनिका में उनका उतरा कुंभलाया चेहरा देख मैं अस्तब्ध रह गई। क्या हो गया था मेरी इस आनंदी सास को? अभी 2 वर्ष पूर्व नीरा के भाई की शादी में उन्होंने मेरे ससुर के सूट बूट में लैस हो कभी गोरे साहब और कभी पहाड़ की सरल ब्राह्मणी का अपूर्व अभिनय कर हमें हंसा हंसा कर मार दिया था।
किसी अनुभवी वेट्रो वायोलिस्ट की गुड़िया की भांति वह कभी मोटी मर्दानी आवाज़ में गोरे साहब का प्रणय निवेदन करती, फिर तत्काल कंठ का पैतरा बदल जनानी कांपती आवाज़ में थरथरा कर गाती, हाथ जोड़ू गोरा जी, मैं तो बीबी बामड़ी। मैंने उन्हें देखते ही हंसकर ढोलक उनकी ओर लुढ़का दी। लो चाची, ये क्या मुँह लटकाए बैठी हो जाए एक कड़कड़ाती सी घोड़ी। दुर्बल हाथों से ढोलक को मेरी ओर वापसी ढलान से लुढ़का कर उन्होंने अपनी डबडबाई आंखें फेर ली। मेरी देवरानी ने मुझे चिकोटी काटी। क्या कर रही हो दीदी, आज पहली बार तो औरतों में आकर बैठी हैं, नहीं तो अम्मा जी तो पलंग ही पकड़ ली थी। क्यों, मैंने फुसफुसाकर पूछा। सुना नहीं तुमने, अभागा महेश नाक कटाकर अपनी पड़ोसिन के साथ नौकरी छोड़ छाड़ मद्रास भाग गया है। नीरा का तार पाकर बाबूजी उसे यहाँ लिवा आए, पर लाने से क्या होता है, दिन रात कमरे में गुमसुम पड़ी रहती है। कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, कहते हैं दिमाग का मर्ज है। किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए, हृदय पर कोई भारी आघात लगा है। इससे बड़ा आघात किसी भी नारी को और क्या लग सकता था। मैं उस आनंद उत्सव के बीच सिर लटकाए बैठी चाची के उस वेदना विधुर चेहरे की ओर दूसरी बार आंख उठाकर नहीं देख पाई। चलने लगी तो देवरानी चांदी की तस्तरी में पान ले आई। लो भाभी, मैं तो भूल ही गई थी तो तुम पान खाती हो। ठीक एक वर्ष पहले ये ही शब्द नीरा ने भी कहे थे। नहीं, मैं अब पान नहीं खाती, कह मैंने तस्तरी खिसका दी और उठ गई। वैसे तो नीरा की सौत मेरे लिए पान लेने न जाती, तब भी होनी होकर ही रहती, पर मुझे बार बार यही लगता है कि वह पृथ्वीराज संयुक्ता की जोड़ी यदि आधी आधी रात को मेरे लिए पान लेने न जाती तो शायद नीरा का उतना बड़ा सर्वनाश भी नहीं होता। तो ये थी शिवानी की लिखी कहानी सौत। कहानी बहुत ही मार्मिक थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।